जन जागरण अभियान का आज आखिरी दिन है और महंगाई को लेकर के जो कांग्रेस की महिलाएं हैं वो अभी पद यात्रा कर रही है। हम लोग बात करते हैं, क्या कहिए, पूरा जन जागरण अभियान का आज आखिरी दिन और महंगाई के खिलाफ आप लोग आवाज उठा रही हैं। जी, महंगाई से जितना महिलाएं त्रस्त हैं उनको ही पता चल रहा है कि रसोई से लेकर घर का बजट कैसे गड़बड़ाया हुआ है। मोदी जी जब से आए हैं सिर्फ जुमलों की बौछार कर रहे हैं, हम ठगी का शिकार बने हैं। ये जब से आए हैं महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है, महिलाओं को असुरक्षा दी है, तीन काले कानून का जी उन्होंने किसानों को 750 लगभग किसान हमारे चले गए जी। उसके बाद ये बोलते हैं कि तीन काला कानून वापस लेते हैं जी। उनकी जाने कौन वापस लाएगा जी। घर जो अनाथ हुए, जो हमारी महिलाएं विधवा हुई, आज हम मांग करते हैं कि बढ़ती महंगाई को कम करें, अन्यथा गद्दी छोड़े। और जो हमारे किसान भाइयों की जान गई है इस किसान बिल आंदोलन में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को मुआवजा दे और उनके परिवार से माफी मांगे। क्या लगता है, ये जो आप लोगों का जन जागरण अभियान अभी चल रहा था, पूरे जिलों में चल रहा था, क्या लगता है जो राजधानी रांची और झारखंड के जो लोग हैं उन तक ये सारी मैसेज पहुंच पाए, कितना हद तक सक्सेसफुल रहा जी? बिल्कुल, हम लोगों का जो नेतृत्व है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, कांग्रेस का एक एक सिपाही गांव-गांव तक पहुंचा है और आगे भी पहुंचेगा, और केंद्र सरकार की विफलताएं और राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताने का काम करेगा। देखिए, तो आज जो पद यात्रा यहाँ से निकाली गई थी कांग्रेस महिलाओं के द्वारा, कांग्रेस भवन से फिरायलाल चौक तक ये यात्रा निकाली गई थी, और आपने सीधे सुना कि क्या कुछ इनका कहना है कि मोदी जब से पहुंची है तब से ये लोग सिर्फ महंगाई के ही शिकार हुए हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार रांची से, मैं पूजन, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।